हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ यहाँ पे कॉम्बैट और लॉबी जो एक नया ग्राफिक सेटिंग आया है, ठीक है। तो ये अभी पबजी मोबाइल का जो है बीटा वर्जन में है, ठीक है, और बहुत जल्दी जो है हम लोगों का पबजी मोबाइल का जो ग्लोबल वर्जन है वहाँ पर आ जाएगा। ये जो ग्राफिक सेटिंग है ये क्या है, ये कैसे काम करता है, मैं तुम लोगों को आज सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइस चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नया हो तो यार सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और इस वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइस चलो वीडियो शुरू करते हैं, हम लोग यहाँ पर चलते हैं सेटिंग में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं गाइस ग्राफिक सेटिंग के अंदर। और गाइस यहाँ पे है कॉम्बैट और लॉबी, तो ये दो चीज़ क्या है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि तुम लोग कॉम्बैट के लिए जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो, एंड यहाँ पे लॉबी है, तुम लोग लॉबी के लिए जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कॉम्बैट क्या है कि तुम लोग जब यहाँ पे मैच खेलोगे, कोई भी मैच यहाँ पे खेलोगे, ठीक है, तो तुम लोग जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे है लॉबी, मतलब तुम लोग जब लॉबी में रहोगे, ठीक है, तो उसके लिए तुम लोग जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो, ठीक है। इसका फायदा क्या है, ठीक है, तो कॉम्बैट जो है मतलब यहाँ पे जब हम लोग कोई मैच खेलेंगे, ठीक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पे स्मूथ रखते हैं, और फ्रेम रेट जो होता है वो यहाँ पे जितना उसका फ़ोन में सपोर्ट करता है वो उतना कर देता है, ठीक है। इससे जो है गेम बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चलता है। अब क्या होता है, जब हम लोग लॉबी में आता है तो वही ग्राफिक सेटिंग हम लोगों को देखना पड़ता है। लॉबी में हम लोग फाइट नहीं करते, फिर भी हम लोगों को जो है वो ग्राफिक सेटिंग देखना पड़ता है, ठीक है। गाइस यहाँ पे कॉम्बैट और लॉबी का जो ये ऑप्शन यहाँ पे गेम में आ जाएगा, तब तुम लोग क्या कर सकोगे कि यहाँ पे गेम जब खेलोगे, कोई मैच खेलोगे, तो उसके लिए तुम लोग जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर पाओगे। और गाइस यहाँ पे तुम लोग जब लॉबी में रहोगे उसके लिए जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर पाओगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने कॉम्बैट के लिए किया है स्मूथ, और यहाँ पे फ्रेम रेट मेरा हाई सपोर्ट करता है, इसलिए हाई किया है, ठीक है। और यहाँ पे लॉबी के लिए मैंने किया है एचडी और हाई, ठीक है, तो यही सपोर्ट करता है, यहाँ पे एचडीआर तो सपोर्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं लॉबी में रहूँगा तो मेरा जो लॉबी है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, ठीक है। तो ये तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। तो तुम लोग लॉबी में एचडी या जितना भी तुम लोगों का सपोर्ट करता है वो तुम लोग यहाँ पे रख सकते हो। इससे क्या होगा कि तुम लोगों का जो लॉबी है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा। तो देख सकते हो अभी मेरा जो है यहाँ पे जो मेरा कैरेक्टर है इसका शैडो तुम लोगों को दिख रहा है। अब मैं इसको अगर यहाँ पे लॉबी में जाके इसको चेंज कर लूँ, मतलब यहाँ पे ग्राफिक सेटिंग के अंदर मैं लॉबी में जाऊँ और इसको अगर मैं यहाँ पे स्मूथ कर दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो शैडो है वो नहीं दिखेगा। तो देख सकते हो शैडो नहीं दिख रहा है, ठीक है। गाइस यहाँ पे मुझे ये जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बैट और लॉबी ये जो नया सेटिंग आया है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे मैंने तुम लोगों को दिखा दिया, यहाँ पे मैंने फिर से जो है यहाँ पे हाई कर लिया है। अब मेरा जो है यहाँ पे मेरा जो लॉबी है वो पूरा जो है एचडी में दिखा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा लॉबी। तो गाइस मैंने जो यहाँ पे कॉम्बैट के लिए सेट किया है वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो देख सकते हो कॉम्बैट के लिए मेरा सेट है यहाँ पे स्मूथ और हाई, ठीक है। तो मैं एक बार मैच स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ गेम के अंदर, अब मैं तुम लोगों को दिखा देता हूँ। तो देख सकते हो कुछ ऐसा ग्राफिक्स यहाँ पे लग रहा है। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे ग्राफिक्स चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कॉम्बैट है, इसको अगर मैं एचडी करता हूँ तो देख सकते हो यार मेरा यहाँ पे जो है एचडी में सेट हो गया है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा है ये। तो गाइस ऐसे तुम लोग जो है यहाँ पे मतलब लॉबी के लिए अलग से ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो, एंड कॉम्बैट मतलब तुम लोग जब मैच खेलोगे कोई भी तो उसके लिए तुम लोग जो है अलग से ग्राफिक सेटिंग कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये जो ऑप्शन है कॉम्बैट और ये लॉबी वालों ने दो अलग अलग ऑप्शन दिया है, ठीक है, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस यही था वीडियो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को वीडियो जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, नीचे कमेंट कर देना, और गाइस चैनल पे नया हो तो यार सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं किसी वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय गाइस।